तो हम बहुत बड़ा कलिमा बोल रहे होते हैं जब हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपको पता है जन्नत में सबसे पहले उन लोगों को बुलाया जाएगा जो दुख और सुख में और हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह कहने वाले होते हैं। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर कोई अच्छी काम होता था तो फरमाते थे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी बिनिअमतिही ततिम्मु सालिहात, और कुछ गैर मुआफिक काम होता था तो अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। अनजला ऊपर से नीचे आने को कहते हैं, हम उर्दू में भी बोलते हैं नाजिल, तुम कहां से नाजिल हुए, ये मनोसलवा नाजिल हो गया। हम ऊपर से नीचे आने को कहते हैं उतारने, उतारा ये लफ्ज बोलते हैं। इसका मतलब कुरान कहां से आया, ऊपर से नीचे आया, और अल्लाह ताला फरमाता है उसने नाजिल किया, तो अल्लाह ताला कहां है, ऊपर है। ये कहना अल्लाह हर जगह मौजूद है, यहां भी अल्लाह वहां भी अल्लाह, क्या दरख्त में भी अल्लाह, जमीन के अंदर भी अल्लाह, पानी में, नाउसु बिल्ला, ऐसी बात कहना सही नहीं है। अल्लाह ताला अपनी जात के एतबार से हर जगह नहीं है, आसमानों पे है। इसीलिए कुरान वहां से नाजिल हुआ, यहां से क्यों नहीं नाजिल हो गया, पानी से आ जाता, जमीन से आ जाता, अल्लाह तो हर तरफ ही, ऊपर से नीचे आया है। तो फिर हम ये क्यों कहते हैं अल्लाह हर जगह है, हम अपनी तरफ से तो बड़ा बोल रहे होते हैं कि बड़ी अल्लाह की तारीफ कर दी, ये नहीं। हाँ, अल्लाह ताला अपनी ताकत, अपने गलबे, अपनी कुदरत, अपने इल्म, अपनी समात, अपनी बसारत, इन इन अपनी कुव्वतों, अपनी कुदरतों के मामले में उसके हर जगह है कुदरत, हर जगह इल्म, हर जगह उसकी नजर है, हर जगह उस वो सुन रहा है, हर जगह उसकी पावर है, हर जगह से वो बाखबर है। मगर ये कहना कि वो हर जगह पे मौजूद, यहाँ पे भी है, वहां पे भी, वहां पे भी, वहां पे भी, हर चीज के अंदर अल्लाह है, पत्ते के अंदर अल्लाह, फूल के अंदर अल्लाह, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं कहना। अल्लाह आसमानों के ऊपर है, फौका सबा समावात, 100 से ज़ायद दफा हदीस में भी इस चीज के बारे में सबूत मिलता है कि वो ऊपर है। ये वार्निंग्स दुनिया में भी दी जाती है, फिर आप क्या कहते हैं, कितने बुरे हैं ये, हमें डराते हैं, कहते हैं कोई ऐसे, वो तूफान की, हरिकेन की वार्निंग दे दे, अब भाई इतना बड़ा समुद्री तूफान आ रहा है, इसकी वार्निंग आ गई, आप कहते हैं हाँ ये शुक्र है इन्होंने हमें बता दिया, शुक्रिया करते हैं। लेकिन जब कुरान वार्निंग देता है ना, जहन्नुम को मजाक ना समझो, बहुत बुरी चीज है, हतामा है, ग्राइंड कर देने वाली है। असल में किस लिए वार्निंग देता है, वो आपका हमदर्द होता है, वो नहीं चाहता कि आप किसी नुकसान में पड़े। इसलिए जो हुकूमतें होती हैं वो अपने नेशंस को, अपनी कौमों को वार्निंग्स देती हैं, इसीलिए जगह जगह पे वार्निंग साइंस लिखे जाते हैं ताकि आप किसी मुश्किल से बच जाए। अल्लाह ताला सबसे बड़ी मुसीबत, सबसे बड़ी तकलीफ, सबसे बड़े अजाब से वार्निंग देता है, लेकिन हमें ये वार्निंग्स पता नहीं क्यों पसंद नहीं आती, कहते हम डर जाते हैं। अगर खुशखबरियां पानी है तो उसका तरीका क्या है, दुनिया में अगर कोई अजर मिल भी जाए, अजर हसाना नहीं है, इसलिए कि दुनिया तो खत्म हो जानी है, आ तो फना है, अजर हसना सिर्फ आखरत का अजर है, और उसको एक्सपेक्ट वो लोग सिर्फ कर सकते हैं जो ईमान ला के सौले अमल करने वाले, उनको खुशखबरी मिल सकती है। बाकी फिर फूल्स वर्ल्ड में रहते हैं जो ये समझते हैं कि हमने अपने नाम मुसलमानों वाले रख लिए, लेकिन अमल करना जी बड़ा मुश्किल है, वो तो नहीं हम कर सकते, वो तो नहीं हमसे होता। तो ऐसा दौर भी आएगा, फिर अमल करना बड़ा मुश्किल हो जाना है, लेकिन तब भी याद रखना उस दज्जाल के दौर में भी अमल अमल। इसलिए कि मोमिन, सुबह कोई मोमिन होगा शाम को काफिर हो जाएगा, शाम को मोमिन होगा सुबह को काफिर हो जाएगा। इंसान अपने आप को समझता होगा कि मैं ईमान वाला हूं, लेकिन उसका ईमान जा चुका होगा। अब अजरे हसना को जरा देख लें, ये अजरे हसना को क्या अजर है, जन्नत। और जन्नत कैसी है जानना जरूरी है कि जन्नत भी कैसी है,
ताकि दिल कहे कि ए अल्लाह मुझे ऐसी जन्नत में दाखिल कर दे। वो जन्नत है जिसके फलों का एक खोशा जमीन और आसमान की सारी मखलूक खा ले तब भी खत्म ना हो। वो ऐसी जन्नत है जिसके महलात सोने और चांदी की ईंटों से बने। वो ऐसी जन्नत है जिसका एक दरख्त है जिसका साया ऐसा लंबा होगा कि इसके साए में घुड़सवार 100 साल तक चलता रहे तब भी साया खत्म ना हो। जिसमें एक कमान के बराबर जगह दुनिया और जो कुछ दुनिया में है उसकी सारी नेमतों से ज्यादा कीमती है। अल्लाह अकबर। जिसके अंदर रहने वाली औरत उसका दुपट्टा भी इतना कीमती होगा कि अगर वो अपने दुपट्टे को दुनिया में ले आए तो दुनिया और दुनिया में जो कुछ भी है वो सबसे ज्यादा कीमती है। अगर वो दुनिया में झांक ले तो मशरिक और मगरिब के दरमियान की हर चीज रोशन हो जाए और परफ्यूम्ड हो जाए, खुशबू से मुअत्तर हो जाए। जिसके पत्थर भी मोती और याकूत है, जिसकी मट्टी जाफरान है, जिसका गारा मुश्क है। दुनिया में एक्साइटमेंट्स खत्म हो जाती हैं, जन्नत की एक्साइटमेंट खत्म नहीं होगी। दुनिया में देखिए आपको कोई भी चीज मिल जाती है ना, उसकी एक्साइटमेंट कुछ दिन बाद खत्म हो जाती है। आप देखिए आप एक कोई घर मिलता है, जब नया नया आप घर लेते हैं तो उस वक्त कितनी एक्साइटमेंट होती है, कितनी एक्साइटमेंट होती है कि आप लोगों को दिखाते फिरते हैं। लेकिन 10 साल बाद उसी घर को आप कहते हैं हाँ बस ठीक है आम सा ही है, चाहे वो कितना ही बड़ा मेंशन क्यों ना, आम सा लगना शुरू हो जाता है। अच्छा एक और मिसाल से समझे, जो आपकी जब शादी हुई थी, जितनी शादीशुदा खवातीन है, जब आपकी शादी हुई थी जो पहली रात थी वो कैसी थी? क्या 10 साल बाद वैसा ही मजा आता है, वैसा ही शौक और वैसी एक्साइटमेंट और वैसे ही जज्बात और वैसी सब चीज होती है? नहीं होती ना, सब कुछ आम हो जाता है। वो जो एक बिल्कुल नए शादीशुदा जोड़े की पहली रात दूसरी रात होती है वैसे कुछ भी नहीं रहता। जन्नत में हर दिन ऐसा ही होगा, हर मजा वैसा ही होगा जैसे आपकी पहली रात थी। जन्नत में हर चीज ऐसी होगी जैसे आपका पहली दफा आप अपने घर में स्टेप किए थे और जो एक्साइटमेंट थी। यहाँ पे हर चीज का ये होता है, अच्छा इसमें ये है ना, अगर ये भी होता ना तो कितना अच्छा था ना। परफेक्शन नहीं है ना यहाँ पे, ये जो परफेक्शन की तलाश है ना ये एक्चुअली अल्लाह ताला ने हमारे अंदर डाली है, क्योंकि ये यहाँ पे सेटिस्फाई हो ही नहीं सकती। हम कितना भी अच्छा घर बनवा भी लेते हैं ना, कहते हैं ये उसने यहाँ पे जरा गड़बड़ की है, ये इस तरह से करना चाहिए था, इस घर के अंदर ऐसा था, इसके अंदर ये चीज नहीं है। लेकिन जन्नत में ऐसा नहीं, जन्नत की हर चीज में परफेक्शन है। जन्नत की हर चीज ऐसे है कि जिसमें इंसान ये नहीं कहेगा कि अच्छा अब इसके अंदर ये कुछ और होता तो अच्छा था, ये भी मिल जाता तो अच्छा था, वो वाली चीज नहीं होगी। ये जो औलाद ठहरा रहे हैं उसके बारे में कोई इल्म नहीं इनको, ना इनको कोई इल्म है इसका, और इनसे पूछा जाए कि तुमने ये कहां से ये इल्म लिया, तो कहते हैं हमारे बाप दादा भी ऐसे ही कहते थे। तो वलाली आबाई, इनके आबाओ अजदाद को भी कोई इल्म नहीं, ना इनको कोई इल्म है ना इनके आबाओ अजदाद को कोई इल्म है। यानी ये बगैर इल्म के की जाने वाली बात है, इसके पीछे कोई ठोस नॉलेज नहीं है, कोई सॉलिड बात नहीं है, किसी नबी ने नहीं ये बताया, किसी किताब में नहीं ये लिखा हुआ, इसकी कहीं कोई दलील नहीं है। बल्कि क्या है, कबूरत कलिमतन तखरुजु मिन अफवाहिहिम, ये बहुत बड़ी बात है जो ये निकालते हैं अपने मुंहों से। ये मुंह की सिर्फ बात है, ये अपने मुंह से बहुत बड़ा कलमा निकाल रहे हैं। इन यकूलूना इल्ला कदीबा, ये नहीं कह रहे मगर एक झूठ कह रहे हैं सिर्फ। अब क्या बताया गया कि अल्लाह ताला के लिए औलाद ठहराना सबसे बड़ा शिर्क है, सबसे बुरा शिर्क है। लेकिन ऐसा नहीं कहा गया कि कोई किसी किस्म का भी इल्म नहीं, इल्म है लेकिन इस मामले में कोई इल्म नहीं है। अबाओ दाद को भी नहीं था इल्म, ये कहते हैं ना कि हमारे बाप दादा ऐसे करते थे, उनको भी नहीं था कोई इल्म। ये तो इतनी बुरी बात है कि जिसके बारे में सूरह मरियम में आता है कि आसमान फट जाए और जमीन शक हो जाए और पहाड़ एक्सप्लोड हो जाए कि ये कहते हैं कि खुदा की औलाद है। इतनी ये बुरी बात है, कभी आपको भी बुरी लगती है ये?
कभी आपको भी ये भारी लगती है बात, जो आसमानों को, जमीन को, पहाड़ों को भारी लगती है कि वो फट जाएं, ये इतनी बुरी बात? अगर इतनी बुरी लगती है तो फिर क्रिसमस कैसे मनाते हैं आप, और इनको मुबारकबाद कैसे देते हैं आप? क्योंकि वो तो कह रहे हैं खुदा का बेटा पैदा हुआ, उसकी बर्थडे है, तो ऐसी उनकी खुशी में आप खुश कैसे हो सकते हैं? कैसे आप क्रिसमस ट्री लाके लगा सकते हैं? कैसे आप गिफ्ट्स एक्सचेंज कर सकते हैं? क्या आपको पता भी है किस बात की खुशी कर रहे हैं? कितनी ईवल बात है ये, जबकि हम कहते हैं कुल हु अल्लाह अहद, अल्लाह समद, लम यलिद वलम यूलद, ना उसका कोई औलाद है, ना वो जना गया, ना उसको किसी ने जना, ना उसने किसी को जना। तो या तो आपका लम यलिद वलम यूलद पे ईमान हो सकता है, या क्रिसमस पे ईमान हो सकता है, एक पे ही हो सकता है ना। एक तरफ आप कहते हैं खुदा का बेटा जो है उसकी बर्थडे है, खुदा का बेटा मानना है उसकी बर्थडे है, और ये एक तरफ कहते हैं लम यलिद वलम यूलद। हमारे तो दिल फट जाने चाहिए इस बात पे, ये जिहालत की बात है। और इनके अबाओ अजदाद के पास भी कोई इसका क्लू नहीं था कि कहां से उन्होंने ये अकीदा लिया। अल्लाह ताला फरमाता है, तो ये औलाद ठहराना, अल्लाह को गाली देना, मुझे आपको कोई गाली दे हम तो आपे से बाहर हो जाए। अपनी जात की तो इतनी इज्जत है कि उस गाली किसी की बर्दाश्त ना हो, और वो गाली दे रहे हैं और हम उनको मुबारकबाद कह रहे हैं। तो कुरान करीम का एक मकसद यहाँ पे ये पता चला कि अकीदे को सही करना लोगों के, जो लोगों ने खुद ही घड़ ली है ना बातें, कि भाई सोचे समझे बगैर, जिसकी कोई वेरिफिकेशन ही नहीं है, जिसका कोई सबूत ही नहीं है, बस ऐसे ही बात करते जाना, कोई दलील ही नहीं। मसलन ये कह देना ये सारे ये जो दीन वाले होते हैं ना, बस इनकी बातें ही हैं, फ्रॉड होते हैं ये जी, वो जी बड़े ये ऐसे होते हैं, ये तो ये करते हैं, ये बड़े कर्प होते हैं, हिजाब वालियों को देख लिया, कुरान पढ़ने वालों को देख लिया, बड़े अपने आप को समझते हैं, ये तो ये करते हैं, सारों को ही बीच में रगड़ दिया। कभी ये कह दिया ये तो कुरान में कहाँ लिखा भाई, हालांकि कुरान में लिखा हुआ उनको पता ही नहीं, कौन सी हदीस में है, कौन सा इस्लाम ये कहता है, कितनी आराम से कह देते, ये क्या है अल्लाह के ऊपर झूठ बांधना है? अगर वो बात कुरान में है या हदीस में है, अच्छा सबसे ज्यादा आपको ऐसे लोग ये बातें कहते नजर आएंगे जिन्होंने कभी ना कुरान पढ़ा ना हदीस पढ़ी। उनसे पूछें कितनी दफा तुमने कुरान पढ़ा, कितने साल से पढ़ रहे हो, कितनी हदीस का तुम्हें इल्म, बेसलेस बातें किए जाना, नहीं जी कौन सा इस्लाम ऐसे कहता है, नहीं जी कौन सी हदीस ऐसे, तो इल्म तो पहले लो। तो ये जो मुंह से बस बातें निकालना होती है ना, ये दुरुस्त नहीं है काम, ये वैसे ही नहीं सही काम किसी मामले में भी।